सो हे गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल है? सब लोग सारे होते होंगे। डेस कमिंग फॉर रफ्तार बादशाह, इंडियन आइडल, पोक, हनी सिंह। ओके, इस वीडियो में भी मैं आपको काफी इंटरेस्ट, इसमें की बादशाह चाय बनाते हैं और जो श्रेया घोषाल हैं वो उनसे बोलती हैं कि आप चाय में चीनी डालोगे, गुड़ डालोगे या फिर हनी। उसके बाद सभी शौक हो जाते हैं और बादशाह ऐसे ही मस्ती में उन्हें गुस्से में देखते हैं। साथ ही जो बादल हैं उनकी न्यू एल्बम रिलीज हो चुकी है जिसमें की बादशाह के साथ भी कोलैब है, साथ ही GD40। ओके, बादल, ठीक है ठीक है, बादशाह ने शेयर भी की थी स्टोरी। सेवन और मृणाल शंकर के साथ भी कोलैब है जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और न्यूज बाग में पहले मैं आपको एक गाने के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको नॉस्टैल्जिया की दुनिया में ले जाएगा, साथ ही फ्रेश वाइब भी देगा। गाने का नाम है रख ले, जो की है शान का एक ऐसा कमबैक जिसमें शान ने अपनी सिग्नेचर ओल्ड स्कूल चार्म के साथ डायनेमिक वोकल्स का फ्यूजन लाए हैं। यार कितनी सोहनी है ना फील, मतलब ऐ लग रहा है गाना पुराना है, म्यूजिक वीडियो नवी बनी हुई है, उस तरीके की फील आ रही है। रख ले मेरा दिल संभाल के। वाह, जरूर सुनना। अगली जो न्यूज वो आ रही है इक्का पाजी की तरफ से, तभी आपको बताया होगा कि इक्का पाजी और रफ्तार हसल के मेन जजेस हैं और उसके दो एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उसके बाद इक्का पाजी को थोड़ा हेड भी मिल रहा है, थोड़े ट्रॉल भी हो रहे हैं। आप देख सकते हो कुछ ट्वीट्स, लोग लिख रहे हैं कि फाइनली रफ्तार इज बैक इन हसल, बट इक्का इतना ओवर रिएक्ट करता है भाई। किसी ने लिखा हुआ है बीसी इक्का तो रफ्तार को बोलने ही नहीं दे रहा। किसी ने लिखा हुआ है बीसी इक्का की वजह से रफ्तार और वो जज कम होस्ट ज्यादा लग रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ है एमटीवी हसल में ये इक्का से बड़ा क्रिंज कोई नहीं लगता, रफ्तार के ऑरा कम कर रहा है। Oh shit, that's not good, yeah. इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से, जो नोडी खान है उनका कल एक डिस्ट्रैक आया हुआ है बादशाह के लिए और उसके लास्ट में उसको लास्ट कह रहा है कि हाँ, ना, क्या नाम है उसका, रा 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 ऐसे करके, हाँ। कुछ ऐसा बोलते हैं, एक तो गया, दूसरा कौन था सर, रा रा। तो इससे तो ये लग रहा है कि उनका अगला डिस रफ्तार के लिए होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही और रख ले ट्रैक सुनने जरूर चले जाना। ओके ठीक है, तो मतलब हूँ अगला डेस इज कमिंग फॉर रफ्तार। मैंने समझ नहीं आ रहा, वैसे हनी सिंह का सीन काफ़ी चल रहा है ना, लेकिन कितने पोक हो रहे हैं, कितने ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। अपनी जिंदगी जी यार, उस बंदे ने अपनी पार्टी शार्टी करने दो जो कर रहे हैं, वैसे वो कर ही रहा है, फिर लाइक लेट हिम लिव यार, सीधी गल है। सत श्री अकाल।